नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर के दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रवास की शुरुआत ग्वालियर के ऐतिहासिक किले को घूमने के साथ की। केंद्रीय मंत्री ने किले पर बने कर महल, सासु के मंदिर के साथ ही मानसिंह महल को देखा, लेकिन इसी दौरान जब वह मानसिंह महल में गंदगी देख उनका माथा थनक गया। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी का इतना पारा चढ़ गया कि वह कहने लगे, क्या मुझे यहाँ झाड़ू लगानी पड़ेगी तब सफाई होगी। इसी दौरान वहाँ स्थानीय सांसद विवेक नारायण सेजलकर और बीजेपी के अन्य नेतागण भी मौजूद थे। केंद्रीय पर्यटक मंत्री जी किशन रेड्डी ने ग्वालियर फोर्ट की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पहले भी ग्वालियर फोर्ट का भ्रमण कर चुका हूं, लेकिन पर्यटक मंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब वह यहाँ पहुँचे हैं। पर्यटक मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ग्वालियर सहित देश के सभी पर्यटक स्थलों को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के सभी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स पर अधिक से अधिक पर्यटक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम देखते हैं कि लोग सिंगापुर जाते हैं और भी कई विदेशी शहरों में हमारे देशी सैलानी पर्यटन के लिए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसी कई ऐतिहासिक और सुंदर इमारतें हैं जिन पर लोग बहुत कम पहुंचते हैं। ऐसे में उन्होंने देश के लोगों से इन प्राचीन पर्यटक स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील भी की। वहीं उन्होंने अधिकारियों की गंदगी को लेकर फटकार पर कहा कि सभी पर्यटक के स्थल साफ होने चाहिए, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री के इन तेवर को देखकर वहां मौजूद टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के होश उड़ गए। जो ग्वालियर फोर्ट जो है ये बहुत हिस्टोरिकल फोर्ट है ग्वालियर के लिए और टूरिज्म के लिए, देश के लिए हिस्टोरिकल फोर्ट है। मैं पहले भी जब मंत्री नहीं था, जब मैं पार्टी में काम करता था, बहुत बार देखा हूँ। नहीं पहली बार नहीं आया मैं, मगर एज ए मिनिस्टर में पहली बार आया हूँ। आज थोड़ा देखने के लिए आया था। आज मैं दूसरा टूरिज्म के एक्टिविटी पर इंस्टीट्यूट पर काम आया हूँ। आज उस कार्यक्रम में आपको सब कुछ डिटेल टूरिज्म के लिए भारत सरकार क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए क्या करने वाले हैं, हम डिटेल आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, कई सारे ऐसे हैं, क्योंकि असुरक्षा के सबसे बड़े कारण है। एक तो इसी दृष्टिकोण से लगभग आर्कियोलॉजी सर्वे के पास मेरा 4000 मॉन्यूमेंट, ऐसा मॉन्यूमेंट 4000 है देश में। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया है इस मॉन्यूमेंट को री एस्टैब्लिश करना चाहिए, दुनिया भर में देश भर में लोगों को खोलना चाहिए। देखो अपने देश के तरह सभी लोगों को, आम जनता भी कम से कम इस आज़ाद के अमृत महोत्सव संदर्भ में 5-15 जगह वो लोग घूमना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। इसलिए वो रेड फोर्ट से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को संबोधित करते हुए आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में ये देश के आपका मॉन्यूमेंट जितना है, हर फैमिली जो एफर्ट कर सकता है वो आके देखना चाहिए, ऐसा अपील किया है। बहुत लोग विदेश जाते हैं, मगर देश में जो आर्ट है, देश में जो कला है, देश में जितना भी एनवायरनमेंट्स है वो देखने को नहीं आता है। इसलिए सिंगापुर जाके देखते हैं, मगर ग्वालियर में जो फोर्ट है, ग्वालियर में फोर्ट देखने के लिए नहीं आते। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से हम प्रयास करें और जो इंटरनल इश्यू है उसको हम सुधारेंगे। आज मैं उनसे अलग बैठ के बात करके आने वाले दिन में कैसा सुधार हो सकता है, जरूर मैं आदेश दूंगा, वो सुधार करूंगा।